स्वागत है आपका कृष्ण जन्मभूमि में। देख रहे हो सुबह के 4 बज रहे हैं। भक्ति ऐसी चीज ही होती है कि तुम्हें वो जगा देती है सुबह सुबह। What's up guys? कैसे हो सारे? हैंडसम, खूबसूरत। ये साइन मैंने इसलिए रखा है ताकि मैं तुम लोगों को आई लव यू बोल सकूँ। हम जा रहे हैं आज वृंदावन। वहाँ कैसे जाना है, क्या करेंगे, क्या नहीं, किस किस मंदिर का दर्शन करेंगे, सब दिखाएंगे। बने रहो हमारे साथ। परफेक्ट 10:30 बजे हम पहुंच चुके हैं मथुरा जंक्शन में और यहाँ से जाएंगे हम जन्मभूमि, जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ है। मतलब यहाँ आते ही अलग भक्ति की अनुभूति होती है मेरे भाई। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वहाँ पर। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं कृष्ण जन्मभूमि, मतलब कि जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था, जो कि है कारागार, है कि नहीं। तो उससे पहले ये जरूरी है, ये देखो बोलो राधे राधे। स्वागत है आपका कृष्ण जन्मभूमि में। आप ऊपर देख रहे हो, ये अर्जुन और कृष्ण जी का रथ बनाया हुआ है, जिस पर अर्जुन जी भी है, बट मुझे यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है। दिख गया? होप सो। मामा कंस का वो जेल हमने टीवी और ये सब में देखा ही होगा, है कि नहीं। बस दिक्कत इतनी है कि यहाँ फोन अलाउड नहीं है अंदर में, वरना मैं अंदर भी दिखा देता। बाहर से ही आप इसकी दर्शन करो। एग्जिट गेट है ये और एंट्री गेट उधर से, जो मैंने फ्रंट गेट दिखाया। एंड उससे पहले आपको सारा सामान जमा करना होगा। सो फ़ोन तो अलाउड नहीं है तो मैं नहीं करवा सकता, उसके लिए सॉरी। अंदर से मैं दर्शन करके आता हूँ, फिर चलते हैं दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। चलो भाई, राधे राधे। फिलहाल हम लोग कृष्ण जन्मभूमि से, हम लोगों ने सोचा था कि हम आधे घंटे में निकल जाएंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया। हम लोग निकले हैं ऑलमोस्ट 2 घंटे बाद, ऑलमोस्ट सब चीज़ खाना पीना करके। अभी हम लोग चलेंगे यहाँ से वृंदावन बांके बिहारी मंदिर। जमुना जी ने चरण छू के भगवान को रास्ता दिया था। बोलो जमुना मैया की जय। तो ये गोकुल है पूरा। यहाँ पर 2 जाति रहती है, ब्राह्मण भी क्या था, किसी जाति की अंडा लखन प्याज कुछ नहीं था। देखने के लिए आपको कदम का पेड़, सोने का दूल्हा, नंद बाबा का महल, कृष्ण भगवान के बलदाऊ देना बड़े वाले, उनका मंदिर, बाकी सारी बाल लीला जैसा पूतना मारे, मिट्टी गाई, योग माया, सब निकल गया। अगर गोकुल समय ना हो, प्रेम से गोकुल देखना हो तो एक ब्रजवासी ब्राह्मण ले जाना, सारा दर्शन करा लाएगा। नहीं राधे राधे बोलना, अपना देखना बताना, मेरा काम है, समय ना आपका काम है। हमारी प्लान में थोड़े चेंजेस आ गए। वृंदावन है वो 4:45 में खुलने वाला है और अभी जो टाइम हो रहा है वो 2 बज रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का गोकुल, जहाँ कृष्ण जी पले बड़े थे। ये कुंज गली, यहाँ भगवान खेलने के लिए आते हैं कृष्ण भगवान। अच्छा जी, देखो भाई, ये जो तुम गलियाँ देख रहे हो, ठीक है, ये वही गलियाँ हैं जहाँ कृष्ण जी बचपन में खेला करते थे। राधे राधे। ये है भाई दान गली, इसे दान गली बोला जाता है। मतलब यहाँ कृष्ण भगवान सबसे माखन की दान मांगा करते थे, जो नहीं देते थे उनकी मटकी फोड़कर वो भाग जाया करते थे। इसे बोला जाता है खेलन भूमि। खेलन भूमि मतलब कृष्ण भगवान और बलराम यहाँ खेला करते थे। ये उन्हीं के घर है। मजे तो है भाई गोकुल में होली खेलने के, क्योंकि यहाँ जो होली होती है वो होली के 1 सप्ताह पहले होती है और यहाँ पर गोकुल में फूलों की होली होती है। पूरे 1 सप्ताह का शेड्यूल चलता है, 1 सप्ताह पर डे होली। तो ये जैसे 8 मार्च को होली है, उसके 1 सप्ताह पहले से होली चलना स्टार्ट हो जाता है वृंदावन में। और जिस दिन यहाँ होली खत्म होती है उस दिन ऑल ओवर इंडिया होली खेला जाता है। चलो भाई, हमारा गोकुल का टूर खत्म हुआ, अब चलते हैं वृंदावन की तरफ। फाइनली गोकुल से हमने बस लिया और बस से 10 किलोमीटर दूर हम वृंदावन आए और वृंदावन में हम हैं बांके बिहारी मंदिर के पास। बोला जाता है कि इस मंदिर में कृष्ण भगवान रास रचाते थे और यहाँ के जो दर्शन कैसे आप कर सकते हो, जब भी यहाँ जाओगे आप तो आपको सिर्फ 3 से 4 सेकंड के लिए उनका पर्दा हटाया जाएगा और फिर बंद कर दिया जाएगा। रीज़न इसलिए कि बोला जाता है अगर आप एक बार आँख से आँख मिला लेते हो तो वो मूर्ति गायब हो जाती है, और ऐसा हुआ भी है। यहाँ ऐसा ये मान्यता है, तो इसलिए यहाँ 3 से 4 सेकंड से ज़्यादा वो पर्दा हटाते भी नहीं है। यह है इसकी एग्जिट गेट। आपने देखा कितना भीड़ था यहाँ पर। यहाँ अभी इतनी भीड़ है तो सोचो होली के टाइम कितनी ही रहती होगी, है कि नहीं। मतलब सीन ये है कि मैं एक तो मोबाइल अलाउड नहीं, ऊपर से मैंने वीडियो ले लिया। जितना भी लिया है भाई, थैंक्स बोलो मेरे को। मैं प्रेम मंदिर पहुंच चुका हूं। तुम ये सीन्स देखो, बताओ कैसा लगता है। और इस ब्लॉग से तुम्हें पता चली गया होगा कि आप एक दिन में कहां से कहां कवर कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसी दिन आकर उसी दिन जाते हो तो देखो ये सीन और बताओ।